मैं हूं अश्विन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज। गुजरात टाइटंस ने किया अपना जर्सी रिवील। 2022 आईपीएल के ऑलमोस्ट हर टीम ने कर दिया है अपना जर्सी रिवील और इस साल डेब्यू कर रही टीम गुजरात ही थी बाकी। गुजरात ने भी बाकी कुछ टीमों की तरह ब्लू रंग चूज किया अपने इस साल के जर्सी के लिए। इस साल दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के जर्सी के साथ साथ गुजरात के जर्सी में भी होगा ब्लू। 13 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए एक ग्रैंड इवेंट में सीवीसी कैपिटल ओन्ड गुजरात टाइटंस ने किया था जर्सी रिवील, जहां शामिल थे कप्तान हार्दिक पांड्या और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह भी चीफ गेस्ट के तौर पे। हार्दिक पांड्या ने किया अपने एक्स टीम मुंबई इंडियंस को अनफॉलो। मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की पुरानी टीम थी, जिन्होंने 2022 सीजन के लिए नहीं किया था हार्दिक को रिटेन। हार्दिक जिसके बाद बने आने वाली टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान। अब जब आईपीएल सिर्फ कुछ दिन दूर है शुरू होने से, तब हार्दिक पांड्या ने किया मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो। मुंबई फैंस इस बात से काफी नाराज दिखे जब उन्हें ये बात पता चली। कुछ फैंस का मानना है कि हार्दिक के करियर को शेप देने में मुंबई का काफी बड़ा हाथ था और इसीलिए हार्दिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि कुछ हार्दिक के फैंस का कहना है कि हार्दिक ने मुंबई की मदद की इतनी मजबूत टीम बनने में। संदीप नंगाल एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हुई गोली से हत्या। जलंधर के मरियान गांव में हो रहे एक कबड्डी मैच के दौरान चलाई गई गोली संदीप पे। कहा जा रहा है कि करीबन 20 राउंड किए गए थे फायर उनके छाती और सिर पे। पुलिस के अनुसार कुल 8 से 10 गोली चलाई गई थी संदीप की बॉडी में। इस न्यूज के बाहर आने के बाद से कबड्डी की पूरी कम्युनिटी काफी शोक मना रही है। इस घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रहा है। विंजो स्पोर्ट्स बना प्रिंसिपल स्पॉन्सर कोलकाता नाइट राइडर्स का। गेम टेक ग्रैंड विंजो ने मंडे को ये अनाउंस किया कि वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आ चुके हैं एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर कोलकाता नाइट राइडर्स का। केकेआर की टीम अब ना सिर्फ विंजो के मार्केटिंग कैंपेन में लेगी हिस्सा, लेकिन उनके यूजर से भी करेंगी बात सोशल मीडिया के जरिए। विंजो के को-फाउंडर सौम्या सिंह का कहना था कि केकेआर ना सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर्स और अपकमिंग स्टार्स की टीम है, लेकिन एक लॉयल फैन बेस वाली टीम भी है और ये विंजो के लिए काफी कारीगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये उनको देगा एक मौका एक काफी बड़ी फैन बेस से इंटरेक्ट करने का। 3 दिन में श्रीलंका को धूल चटा के 5 दिन में सीरीज कर दिया खत्म। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में सिर्फ एक इनिंग्स बैटिंग करते हुए ही 2 दिन में हरा दिया था श्रीलंका को और अब दूसरे और आखिरी टेस्ट में भी 3 दिन में ही कर दिया श्रीलंकन टीम को तबाह। श्रीलंका आज 447 का टारगेट चेस करते हुए 208 पे हो गई ऑल आउट। इस वाइट वॉश जीत के साथ इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में आ चुकी है ऊपर। प्लेयर ऑफ द मैच बने श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। टेस्ट क्रिकेट मना रहा है अपना 145th बर्थडे। आज यानी 15 मार्च के दिन टेस्ट क्रिकेट को खेले हुए एग्जैक्टली 145 ईयर्स हो गए हैं। इसी दिन 1877 में खेला गया था पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां ऑस्ट्रेलिया 45 रन से जीती थी। थैंक यू।